चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आप आज विधायिकाएं और एमपीज देखेंगे महिलाएं, लेकिन उनकी आवाज नहीं है। यू कैन सी देम बट यू कैन नॉट हियर देम। कंसेंट से लेकर हम तमाम लड़ाइयां हर लेवल पे अपनी जिंदगी की लड़ते हैं और हमारे में लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जब प्रियंका गांधी जी ने कहा तो उन्होंने औरतों को लाके मैनिफेस्टो के सेंटर स्टेज पे रख दिया, चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया महिलाओं को कि महिला मुद्दे जो हैं वो शीर्ष होने चाहिए। हमारे साथ अभी कांग्रेस की लखनऊ सेंट्रल की उम्मीदवार सदफ जाफर जी हैं। सदफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सदफ जी, कैसा आपके लिए प्रचार चल रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहे, खास करके आप जैसे एक्टिविस्ट के लिए, तो अभी प्रचार में कैसा रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, मानवीय तौर पे और इवन पॉलिटिकली, क्योंकि जिस तरीके का मैनिफेस्टो लेकर कांग्रेस आई है और जिस तरह से हमारे लीडरशिप ने, प्रियंका गांधी जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने और कार्यकर्ताओं ने काम किया है पिछले 5 सालों में, लगातार हम ज़मीन पे रहे हैं, हम काम करते रहे हैं, हम लोगों के मुद्दों के लिए लड़ते रहे हैं, हमने गिरफ्तारियां दी हैं, तो उसको देख के लोग जो हैं वो कांग्रेस को बिल्कुल सीरियसली ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमें काम करना चाहिए, हमें इस तरफ एक विकल्प होना चाहिए धर्म और जाति की राजनीति के अलग। आप धर्म और जाति की राजनीति की बात कर रहे हैं, आप खुद यहाँ पर जब NTCA आंदोलन हुए थे आपको जेल भी जाना पड़ा, आपकी अरेस्टिंग हुई, काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें हुई यूपी में जो कभी देखी नहीं गई थी कि मतलब लोगों के पोस्टर लगा दिए गए थे क्योंकि वो विरोध कर रहे थे। इस राजनीति को कैसे समझ रहे हैं, एंड बड़ी रियलिस्टिकली ये राजनीति कितना पेनिट्रेट कर पाई है लोगों के दिलों में? देखिए, ऐसा है कि आपने उनके पोस्टर्स लगाए, उनको मारा, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जो ऑलरेडी एक्टिविस्ट थे, लोगों के लिए काम कर रहे थे, तो इवन बहुत सारे लोगों ने कहा, इवन दे वर सपोर्टिंग BJP एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, दे ऑल्सो सेड कि दिस इज़ जस्ट नॉट ऑन। तो बात है कि जो आपके लिए लड़ा है, जिसने आपके लिए, एंड स्पेशली जब कोरोना आया, CNRC इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, बिकॉज CNRC वॉज समथिंग जिसमें मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स दोनों ने मिल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इवन द पीपल हु अरेस्टेड उसमें, जिनको सो कॉल्ड मास्टरमाइंड बताया गया उसमें, अगर सदफ और शोएब थे तो उसमें SR दारापुरी और दीपक कबीर भी थे, तो ये कहना कि वो मुसलमानों का मुद्दा था वुड बी समथिंग अंडरमाइनिंग द एंटायर जो पूरा स्ट्रगल था लोगों का। लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि जब कोरोना आया और जब यहाँ के MLA दिखाई नहीं दिए, समाजवादी पार्टी से कोई उतरा ही नहीं, MLA जिससे उम्मीद थी, जो पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उन्हें पता होता कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लूपोल्स कहाँ पे प्लग इन कराए जा सकते हैं, वो आवाज़ भी नहीं उठाई। ऑक्सीजन सिलेंडर देना, दवाएं देना, राशन देना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, उन्होंने आवाज़ भी नहीं उठाई कि स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं। तो नेचुरली पीपल आर वेरी अपसेट विद बोथ द पार्टीज़, कि आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि जाति और धर्म और ये और वो, और दूसरी तरफ मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या है, या प्रायोरिटी शुड हैव बीन यू नो दवा, इलाज, रोजगार। जिस CNRC की अगर हम बात करें, कांग्रेस ने 40% महिलाओं को इस बार टिकटें दी हैं और ये एक नई चीज़ हो रही है, कहीं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो बहुत नई चीज़ है। साथ में CNRC के आंदोलन को भी देखें तो बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भारी संख्या में बाहर निकलकर नेतृत्व किया कहीं ना कहीं उन्होंने आंदोलन का। किसान आंदोलन को भी देखें तो उसमें भी हरियाणा पंजाब की औरतें बहुत भारी संख्या में निकलकर बाहर आई। आपको क्या उम्मीद है कि खासकर ये जो 40% इस बार सीटें दे रहे हैं महिलाओं को कांग्रेस, और ये सारे जो आंदोलन हुए हैं, क्या पब्लिक लाइफ में, चाहे पॉलिटिकल हो या उसके बाहर भी हो, क्या औरतों का अब एक पार्टिसिपेशन फाइनली हिंदुस्तान में बढ़ता हुआ आप उम्मीद कर रहे हैं होगा? देखिए, ऐसा है कि जब हम बात करते हैं कांग्रेस रूल्ड सरकारों की और वो जो पूरा एरा है उसमें, वी हैव सीन वीमेन लाइक मार्गरेट आलवा, वी हैव सीन वीमेन लाइक शीला दीक्षित, वी हैव सीन वीमेन लाइक अंबिका सोनी जी, वी हैव सीन सो मैनी वीमेन, गिरजा व्यास जी, आई मीन यू नेम देम, एंड दे वर वीमेन लीडर्स, दे वर एंटिटी विद वीमेन विद वॉइस, वीमेन विद पॉलिटिकल प्लानिंग। लेकिन जब
सरकार आपकी जब इस तरह के स्ट्रिंजेंट रूल्स आते हैं, ऑटोक्रेटिक रूल आता है, तो ये समझने की बात है कि ना सिर्फ ये सरकारें माइनॉरिटीज़ और दलित्स को अंडरमाइन करती हैं, ये सेक्सुअल माइनॉरिटी को भी अंडरमाइन करती हैं, जेंडर माइनॉरिटी को भी अंडरमाइन करती हैं। आप आज विधायिकाएं और एमपीज़ देखेंगे महिलाएं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं है। यू कैन सी देम बट यू कैन नॉट हियर देम। वाइल इन कांग्रेस विमेन ऑलवेज स्पोक। हाँ, तो एक बात ये है, यहाँ तक कि आपका विमेन कमीशन शांत रहता है मोस्ट ऑफ द मुद्दों पर। अब बात आती है कि CA NRC में मुसलमान औरतें नहीं, हिंदू औरतें भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, फिर मैं कहूँगी। और उनमें बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो आए हैं आगे निकलकर, और उनको पार्टियों ने सराहा। दिल्ली में तो बल्कि जेल में भी जाना पड़ा हिंदू औरतों को। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो ये कह देना कि मुसलमान औरतें आगे आई वुड बी अंडरमाइनिंग द रेवोल्यूशन एंड इट्स स्पिरिट। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक फार्म लॉज के ख़िलाफ़ औरतें जिस तरह से डटी रही हैं, डेफिनेटली, बल्कि मुझे लगता है इन औरतों में से और लीडरशिप उभर के आनी थी। वी नीडेड मोर वीमेन एंड देर इज़ नॉट देर इज़ नो पॉसिटी ऑफ ब्रेव वीमेन, बिकॉज हम पैदा होने की लड़ाई लड़ने से लेकर कंसेंट से लेकर हम तमाम लड़ाइयाँ हर लेवल पर अपनी ज़िंदगी की लड़ते हैं, और हमारे में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। तो अगर उनको इन्हांस किया जाए, जो कांग्रेस ने 40% देके किया है, और मुझे लगता है कि हर पार्टी को ये दे शुड फॉलो दिस सूट, है ना। तो जब महिलाओं में आपस में प्रतिस्पर्धा होगी इलेक्टोरल, तो वो आवाज़ उठाना सीखेंगी, वो मुद्दों के लिए लड़ना सीखेंगी, वो बताना, क्योंकि ना जनता को बताना होगा कि एक औरत से दूसरी औरत बेहतर कैसे। एक तरफ तो 80 बनाम 20 के नारे लगाए जा रहे हैं, आप लोग किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि जिस स्टेट में आप लड़ रहे हैं, सच्चाई ये है कि 32 साल पहले तक कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, बहुत सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ लिटरली कोलैप्स रहा है कई सालों से। क्या मुद्दे आप लेकर जा रहे हैं, क्या इसमें आप उम्मीद कर रहे हैं? 32 सालों से हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज जो कोलैप्स दिख रहा है वो 32 साल पहले बना था, उसके बाद से नहीं बना है। PGI पे इतना बर्डन है, बेड नहीं मिलता है, वो PGI किसके दौर में बना है? जो जर्जर हो रहे हैं, जो हमारे पहला हमने वो दिया है, जितनी सरकारी स्कूल हैं वो जर्जर हैं, प्राथमिक शिक्षा केंद्र जो हैं वो जर्जर हैं, जो चिकित्सालय हैं वो जर्जर हैं, किसके काल में बने थे? तो हमने कहीं ना कहीं वही बात आती है कि जाति धर्म और शो ऑफ वाला जो होता है ना, इन योर फेस डेवलपमेंट, उसको हमने ये पिछले 30 साल में लोगों ने तरजीह दी है। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सोचिए जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं कॉन्टेस्ट कर रही हूँ, वहाँ पर सबसे मूल दिक्कत जो है लोगों की, वो साफ़ पीने के पानी की है। पानी की टंकियों में सिल्टिंग हो जाती है, टॉयलेट्स नहीं दे पाए हैं हम, महिलाएं शर्मा के बहुत धीरे से आती हैं पीछे से, दे टग एट मी एंड दे से कि दीदी टॉयलेट नहीं है हमारे यहाँ, ये हालत है। हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए हैं, वी डू नॉट नीड इन योर फेस डेवलपमेंट। हमको नहीं चाहिए कि एक बड़ा सा कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे दें, आप छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक नहीं दे पाए, आप सेमी ICU बेड वाले छोटे क्लिनिक्स नहीं दे पाए, इसलिए बड़े अस्पतालों पे इतना बर्डन रहा कोरोना में, वो कोलैप्स कर गई हमारी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था। हम प्राथमिक शिक्षा केंद्र नहीं दे पाए जो हम कर सकते थे, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल उठाएं और मोबाइल ऑन करें तो योगी आदित्यनाथ जी का या अखिलेश जी की हमें तस्वीर दिखाई दे। ज़रूरत ये थी कि वो फ़ोन उन तक पहुंचता जो फ़ोन बच्चों तक नहीं पहुंचा कोरोना काल में, और दो एजुकेशन रुक गई है। तो ये हम मिड डे मील नहीं दे पा रहे थे, तो वो रिलायंस के वो 500 वाले स्मार्टफोन क्यों नहीं दे दिए मिड डे मील के बदले? कर सकती थी सरकार। सरकार में एंटी पुअर सरकारें रही हैं, जो जाति और धर्म के आधार पे सरकार बनाती हैं, वो बनती तो हैं गरीबों के नाम पर, जातियों के नाम पर ये कभी भी एक्चुअली देखा जाए तो वो पब्लिक सर्विस के लिए नहीं बनती हैं, वो अपने ही इस चीज़ों को, अपने ही इंटरेस्ट को साधती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वो पार्टी जो इंडिपेंडेंस के पहले से लेके आज तक पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सर्विस, पब्लिक इंटरेस्ट और वेलफेयर स्टेट के लिए काम करती रही है, उसको जिताया जाना चाहिए ताकि उस पर काम किया जाए। पिछले 32 साल से सिर्फ धर्म जाति के ही नाम पे कब्रिस्तान, पाकिस्तान, शमशान के ऊपर ही चुनाव लड़ा जा रहा था, लेटेस्ट बींग जिन्ना एंड व्हाट नॉट, भाईजान।
लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जब प्रियंका गांधी जी ने कहा, तो उन्होंने औरतों को लाके मैनिफेस्टो के सेंटर स्टेज पे रख दिया, चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया महिलाओं को कि महिला मुद्दे जो हैं वो शीर्ष होने चाहिए, वो मार्जिनलाइज नहीं हो सकते, उनको तरजीह दी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म, अब मैं जाती हूँ औरतों के बीच तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है, वो एक महिला को देखती है, मुस्लिम महिला है या हिंदू महिला, बात की बात महिला है, के तो महिला का संघर्ष के तो कोई जाति धर्म नहीं होती है ना, तो वो संघर्ष देखती है, उससे आइडेंटिफाई करती है, उन्हें पता है ये औरत झेली हुई है, ये हमें मदद करेगी। तो दैट इज समथिंग विच इज चेंज, और आने वाले दौर में ये अगर ये कंटिन्यू करता है और महिलाएं जीतती हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म जातिवाद बहुत पीछे छूट जाएगा, और जो मैटर करेगा वो करेगा कि महिला के मुद्दे कहाँ हैं। महिला के मुद्दे सांप्रदायिकता और जातिवाद को पीछे छोड़ेंगे, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम इन मुद्दों पर अब चुनाव लड़े जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सरदार जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।